सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल आशीष चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी खेलते हो पबजी और हो बिगनर या फिर आपके पबजी में हार जाते हो किसी गेम को, तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आपका मेन टारगेट पबजी में खेलते समय जो होता है वो है चिकन डिनर का और जीतने का। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद आप आराम से पबजी के चिकन डिनर को जीत सकते हो सिर्फ थोड़ी से बेसिक सेटिंग करके। बिकॉज अगर वही सेटिंग आप करते हो तो आप पबजी गेम में चिकन डिनर को जीत सकते हो, क्योंकि बहुत सारी पबजी गेम में ऐसी सेटिंग होती हैं जो कि आपको सेंसिटिव होती है, जिसके कारण आपको इनिमी ढूंढ लेते हैं या फिर आपको इनिमी आपसे मरते नहीं हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये हम आगे पबजी के मोबाइल गेम के स्क्रीन पर, यहाँ पे आप देख सकते हो कि नीचे में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, जिस पे आपको टैप करना है। टैप करने के साथ कुछ आपको ऐसे बेसिक सेटिंग मिल जाएगी। तो पहला सेटिंग जो है आपके लिए कोई खास यूजेबल नहीं है, बस कलर चेंज को लेकर है, जो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो, या मैं लास्ट वाला कलर सेलेक्ट करके रखा हुआ हूँ। उसके बाद से जो सेटिंग है नेक्स्ट सेटिंग जो कि है आपके लिए काफ़ी यूजेबल, वह एम असिस्ट का। इसको आप हमेशा ही इनेबल रखो, बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इसको करने पर आपका सटीक निशाना लगभग 80% आपका सटीक निशाना लगता है। उसके बाद की जो सेटिंग है वो है ब्लॉक साइट वार्निंग का, जिसे आप इनेबल करके हमेशा रख सकते हो। इनेबल करने के बाद आपको नेक्स्ट जो मेन सेटिंग होती है उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सेटिंग है उसको आपको बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा टैप पे होता है, तो टैप पे होता है तो इसको आपको हमेशा रिलीज़ पे रखना है। बिकॉज मैं रिलीज़ पे इसलिए रखता हूँ, बिकॉज इसमें होता क्या है कि आप जैसे ही गेम में खेलते हो तो आपको जो ऐसा मार्क मिलता है कंट्रोल का, उस पर आप हमेशा आप इस तरीके का जो आपको ये साइन होता है उस पर टैप करते हो तो गोली छूटती है। तो गोली जैसे ही फायरिंग होती है तो फायरिंग करने पे आपको आपको टैप करते के साथ ही फायर होने लगता है जैसे ही आप टैप करते हो। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप टैप करके जैसे ही अपने टारगेट को निशाना पे बनाते हो तो उस पर आपको टैप करके निशाना पे बनाने के बाद छोड़ने के बाद जैसे ही आप उंगली हटाते हो तो फायरिंग होता है और आप अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकते हो, उसको सेट करके उसको फायरिंग कर सकते हो। नेक्स्ट जो है उसको है आपको शॉट गन फायरिंग मोड, इसको हमेशा आपको टैप पे रखना है। उसके बाद से है जो क्विक स्कोप स्विच, इसको हमेशा आपको मैं बोलूँगा आप इसको इनेबल रखो, बिकॉज इसके इसको करने से आपको काफ़ी ज़्यादा यूजेबल होता है। आपका जो स्कोप होता है वो आपको आसानी से टारगेट को स्कोप करके आपको दिखा लेता है। उसके बाद से होता है पिक एंड फायर का, इसमें आपको होता है कि आप इसको हमेशा इनेबल रखो। उसके बाद से आपको होता है पिक एंड ओपन स्कोप का, इसको आपको डिसेबल रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो सेटिंग आती है वो है लीन मोड का, तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो, अपने अनुसार सेट कर सकते हो। फिलहाल मैं इसको टैप पे रखता हूँ। उसके बाद से जो होता है वो है स्कोप मोड, उसको आपको टैप पे रखना है। नेक्स्ट जो है आपको डिस्प्ले लेफ्ट साइड एंड फायरिंग बटन, इसको आप लेफ्ट साइड वाला आप हमेशा जानते हो कि आप दो आपको फायरिंग के लिए दो बटन आपको दिखाई देते हैं, तो उसको आपको हमेशा लेफ़्ट साइड वाला ऑलवेज ऑन रखना है। आप चाहो तो इसको ऑन पे भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप ऑलवेज ऑन पे ही इसको रखें। जायरोस्कोप की बात करें, नेक्स्ट जो सेटिंग होती है जायरोस्कोप की, तो इसको आपको हमेशा क्लोज रखना है, बिकॉज यार इससे करने पर आपको जो दिखाई देने का जो व्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हिलता डुलता है, तो ये काफ़ी कन्फ्यूजेबल है यार। ये किसी को हर कोई इसके लिए कन्फ्यूज रहता है, इसीलिए ज़्यादा तो 90% लोग इसको क्लोज पे ही रखते हैं। उसके बाद का जो है ऑटो डोर ओपन का, इसको आपको तो इनेबल रखना ही पड़ेगा, बिकॉज ये आपको भागने में बहुत मदद करता है। उसके बाद का जो है प्लेइंग इमोट का, तो इसको आपको हमेशा इनेबल रखना है। हीलिंग प्रमोट की बात करें तो इसको भी आपको इनेबल रखना है। उसके बाद से डैमेज इफेक्ट की बात करें तो इसको आपको रेड या ग्रीन आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। अब बात करते हैं हीलिंग प्रमोट की, तो ये आपको क्या होता है कि एक्चुअली जब हम गेम खेलते हैं और हमें गोलियां लगती हैं या फिर चोट लगती है तो हमारे पास साथ बहुत सारे आपको आपको पेन किलर और उसके बाद से बैंडेज और उसके बाद से एनर्जी ड्रिंक होते हैं। तो ये आप जैसे ही डैमेज हो गए तो आपके लिए जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा आपको ये साइड में नीचे में यहाँ पर आपको ऑप्शन पर दिखाई देने लगेगा, जिससे आप अपना लेके एडजस्ट कर सकते हो।
उसके बाद की जो सेटिंग होती है वो है फर्स्ट पर्सन रिस्पेक्टिव कैमरा व्यू। आप यहाँ पे देख सकते हो, तो इसको अब मैं आपको बोलूँगा हमेशा ये 80 डिग्री पे होता है, तो आप इसको बीचों बीच रखे 90 पे कर सकते हो या अपने अनुसार एडजस्ट कर सकते हो। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप 90 पे इसको रखो। उसके बाद से जो होता है कि अदर अलाउ टू सी योर प्रोफाइल, तो आप इसे हमेशा डिसेबल रखो अगर आप नए हो तो, या फिर आपको अच्छे से खेलना आ गया तो आप इसे इनेबल भी कर सकते हो। उसके बाद से जो होता है वो है शो आउटफिट का, जिसे को आपको इनेबल रखना है। उसके बाद से नेक्स्ट सेटिंग जो है वो है शो रॉयल पास इंफॉर्मेशन, तो इसको भी आपको इनेबल रखना है। उसके बाद से है एयरप्लेन फिनिश ऑप्टिमाइज बाय रिलीज पास रैंक, इसको भी आपको इनेबल रखना है। नेक्स्ट सेटिंग की बात करें तो आपको आता है ग्राफिक्स का, तो इसको चलिए हम देख लेते हैं। तो ग्राफिक्स से चलेंगे तो हमको यहाँ पे देख रहा है ग्राफिक्स। अब ये है कि आपके फ़ोन की क्वालिटी पे निर्भर करता है कि आप इसको कैसा रखते हो, तो आप इसको बैलेंस पे करके रख सकते हो। आप देख लो कि आपका फ़ोन कैसा है, अगर आपका हाई क्वालिटी का फ़ोन है तो आप इसको HD या फिर HDR पे रख सकते हो। उसके बाद से फ्रेम रेट की बात करें तो आप इसको मीडियम पे रखो। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें तो मेन मेनू थीम की, तो आप इसको क्लासिक पे करोगे तो कुछ ऐसा लुक दिखाई देगा आपको, अगर आप हॉन्टेड पे करोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मैं इसे हॉन्टेड पे रखता हूँ। उसके बाद की बात करें तो स्टाइल इफेक्टिविटी की, तो आप यहाँ पे कलर अपना चूज कर सकते हो कि आपको कैसा लग रख सकते हो। अब बात करें इसमें कंट्रोल की, तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।